2014 में हमारी केंद्रीय गृह सरकार दवाई की तंजी कहा नरेंद्र भाई मोदी जी ने वो हम जमीन पर किया और ये इरादे वाली सरकार ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने जमीन पर जो गरीब कल्याण की योजना है उनको चरितार्थ करके साबित किया। एक तरफ है कि जो गरीब है उसका कल्याण कैसे हो, किसानों की आय दुगनी कैसे हो, 2022 तक हर गरीब को घर कैसे मिले, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में माँ भारती का किस तरह से डंका बजे और हम विश्वगुरु कैसे बने हम उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और जिनको कहीं ना कहीं इस बात की मुखालफत है, वो जब तक रहेंगे तब तक शायद वो सत्ता में रहेंगे। ऐसा नहीं, ये देश की जनता लोकतंत्र में तय करती है कि सत्ता में कौन रहेगा, एक परिवार ये तय नहीं करेगा कि सत्ता में कौन रहेगा। सर, जहाँ तक राम मंदिर का मसला है, सर कोर्ट में मैटर सब जूडिस है, जनवरी से फिर उसकी सिस्टमैटिक हियरिंग शुरू होगी। सर, विपक्षी दल का ये आरोप है कि जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो राम मंदिर भी, देखिए लोकसभा का चुनाव परफॉर्मेंस पर हम लोग चुनाव, हमने गरीब के कल्याण के लिए जो कहा था वो हमने किया है, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो काम किया है वो हमने किया है, देश की सीमाओं पर जिस तरह से हमने नाकेबंदी की है और आतंकवाद की कमर तोड़ी है, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, किसानों को आय दुगनी करने की योजना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जो लोग काम कर रहे हैं, 4 करोड़ घरों में अंधेरा था, जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं वो अंधेरा वो क्यों नहीं दूर कर पाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि इस विश्व दुनिया में भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, भारत विश्वगुरु कैसे बने हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आरोप लगाने वालों का काम सिर्फ आरोप लगाना, वो आरोप लगाते रहेंगे और 60 साल तक उन लोगों ने क्या किया, 60 महीने का जो नरेंद्र भाई मोदी का काम है, पहले 60 साल जो लोग रहे सत्ता में उसका जवाब दें, उसके बाद उनके किसी भी सवाल का जवाब हम दें। सर, कोर्ट से अगर बात नहीं बनेगी, सर लास्ट क्वेश्चन।